नमस्ते दर्शकों, आज हम लोगों का जर्नी शुरू हुआ है तेजू से परशुराम कुंड की तरफ। पहले हम लोग तेजू में नाइट स्टे कर चुके हैं, अभी हम लोग निकल पड़े हैं परशुराम कुंड की तरफ। रास्ते में पहले हम लोग वॉच टावर को देखा है। तेजू सिटी के अंदर में ये बहुत ही खूबसूरत एक वॉच टावर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, नजारा भी यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। परशुराम कुंड देखने से पहले यहाँ से रास्ता दोनों तरफ में डिवाइड हो जाते हैं। लोहित रिवर जिसके ऊपर में ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करने से मिलते हैं परशुराम कुंड। नीचे से बहुत ही खूबसूरत व्यूज है। हम लोग नीचे आ चुके हैं एंड नीचे से ऊपर को एक बार देखने के बाद ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग जाएंगे परशुराम कुंड में। देखिए यहाँ का पानी पूरे ग्रीन कलर की है एंड बहुत ही जोर से ऊपर से ये नीचे आ रहे हैं। पहाड़ों के बीच से पानी नीचे आ रहे हैं एंड बहुत जोर यहाँ से जो आवाज मिल रहे हैं ये नेचुरल साउंड है नदी बहने। परशुराम कुंड अरुणाचल की एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। इसका पीछे एक पौराणिक महत्व है जिस वजह से बहुत दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो इसका पीछे जो कहानी है वो हम लोग थोड़ा बताते हैं। महाभारत और पुराणों में दर्ज है कि परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और राजकुमारी रेणुका से हुआ था। जब जमदग्नि को रेणुका पर अशुद्ध विचारों का संदेह हुआ तो उन्होंने परशुराम को अपनी माँ का सिर काटने का आदेश दिया था, जो आज्ञाकारी पुत्रों ने किया है। तभी से कुल्हाड़ी उसके हाथ में ही रह गई। इस लाल नदी में तपस्या करने और स्नान करने के बाद पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाते हैं। ये दूरी में जो दिख रहा है ये है प्राकृतिक कुल्हाड़ी, ये पकड़ने की कुल्हाड़ी है। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है एंड जिस जिन्होंने मानते हैं कुछ गलतियाँ किया है, उनका कुछ पाप है, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नहाने से उनका पाप हो जाते हैं, ऐसा माना जाते हैं। ऊपर से लगभग 400 कदम नीचे जाना होता है ये नदी में नहाने के लिए। नदी का दूसरी तरफ में भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जाने से परशुराम जी का जो मंदिर है जहाँ पे स्नान करना है वो जगह में नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये 400 कदम रास्ता पार करके नीचे जाना होता है। यहाँ आकर अपने मृत परिवार के लिए जल दान भी कर सकते हैं। यहाँ परशुराम जी का मंदिर और महादेवी माता का मंदिर भी है।
अरे पौसम कुंडल देखना बेटा। ओये ओये नाम से नमः से मुस्कान को কেন ও যাই thank you.